डायबिटीज रह गया, राइट, ब्लड शुगर। 3 दिन तक आपने दवा छोड़ दिया, 3 दिन के बाद आप फास्टिंग ब्लड शुगर मेजर कीजिए, सो के उठ के खाली पेट, नंबर वन। पोस्ट प्रांडल मेजर कीजिए, पोस्ट प्रांडल मतलब पोस्ट प्रांडल भी नहीं, सोने से पहले, रात को सोने से जस्ट पहले उसको मेजर कीजिए, सुबह उठते ही और सोने से पहले, दोनों को प्लस कीजिए, डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों प्लस डिवाइडेड बाय 2। अगर लेस देन और इक्वल टू 250 आता, 250 से कम आता है या 250 भी आता है बिना दवा के, यानी कि ये नॉर्मल है, यानी कि आप डायबिटीज के पेशेंट थे ही नहीं, डायबिटीज का पेशेंट है ही नहीं, राइट, तो सब ठीक है, दवा छोड़ दिया और आपने अच्छा किया, आप डायबिटीज के पेशेंट है ही नहीं। और ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूं, ACP गाइडलाइन 6 मार्च 2018, 6 मार्च या 7 मार्च का आप अखबार खोल के देखिए, कोई भी अखबार खोल के देखिए पूरे वर्ल्ड का, इस तारीख का कोई भी अखबार, कोई भी न्यूज देखिए पूरे वर्ल्ड का न्यूज़पेपर, उसमें आपको ये गाइडलाइन दिखेंगे, लेकिन इतना छोटा कि लेंस लगा के देखना पड़ेगा कि गाइडलाइन लिख भी दिया और किसी ने पढ़ा भी नहीं, राइट। तो वो न्यूज को छोटा करने के लिए भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने लॉबी बनाई ताकि न्यूज इतना हाईलाइट ना हो कि लोगों को पता चल जाए, राइट। तो ये जो मैं बता रहा हूं ये कोई मेरी अपनी राय नहीं है, ये ऑलरेडी प्रूवन फैक्ट है, ऑलरेडी ऑफिशियल गाइडलाइंस है भाई, और इस गाइडलाइन की कॉपी आपके पास मिलने वाली है आपको। तो 3 दिन पे क्या करना है आपको, क्लियर हो गया, 3 दिन तक आपको दवा नहीं ले रही है, बाकी काम वैसे का वैसे ही चलेगा जैसे आप कर रहे हैं, जो कर रहे हैं जो भी। 3रे दिन आपको ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल मेजर करना है, और 250 से नीचे आ गया तो आपको चिंता नहीं करना, आप इसके बीमार थे ही नहीं कभी। और अगर 250 से ऊपर ब्लड शुगर आया, 250 से ऊपर ब्लड प्रेशर आया तो क्या करना है। तो अब मैं जो आगे बताने जा रहा हूं ये उनके लिए है जिनका ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर का टोटल काउंट कितने से ऊपर है, 250। 250 के नीचे वाले तो यहीं पे लेक्चर खत्म, अभी भी जा सकते हैं, उनका तो काम हो गया, राइट, थैंक यू। लेकिन 250 से ऊपर वाले हैं उनको उसको नीचे लाना है, तो उनको थोड़ा देर और समझना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। देख क्या करना है, स्टेप वन, पहला स्टेप, 3रे दिन वेडनेसडे के बाद क्या, थर्सडे को क्या करना है, थर्सडे को क्या करना है वो बता रहा हूं, पहला 3 दिन तो हो गया। स्टेप वन, स्टॉप गोइंग टू ए डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाना बंद कर दीजिए। ये पहले कि डॉक्टर के पास जाना ही नहीं, मुझे पकड़ में आना ही नहीं उनके, लेकिन एक पिज्जा ऑर्डर कीजिए। ये बात आपको लगता है थोड़ा जच गई अब तक, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, अब तक तो मेहनत ही करा रहे थे, अब थोड़ा ठीक लग रहा है जाके, मैंने पिज्जा ऑर्डर करने बोला है, खाने नहीं बोला है, राइट, ओके। सो स्टॉप गोइंग टू डॉक्टर, ऑर्डर पिज्जा। अब जरा समझिए, ये जो पिज्जा आपने ऑर्डर किया इसके अंदर सारे टेक्निक है, सीक्रेट है जो आपको बताएगी आपको क्या करना है। अगले 15-20 मिनट की और लेक्चर है मेरा। देखिए, इमेजिन कीजिए आपका पिज्जा का बिजनेस है, बहुत बड़ा पिज्जा का बिजनेस है, आपने बहुत सारे पिज्जा बना के रखे और डिमांड बहुत है, बहुत लोग भूखे हैं जिनको पिज्जा खाना है, तो कस्टमर आपके पास बहुत सारे हैं, फोन आ रहे हैं पिज्जा लाओ पिज्जा लाओ पिज्जा लाओ, पिज्जा है भी, आपने बहुत सारे पिज्जा बना के रखे, पिज्जा होने के बावजूद भी, कस्टमर होने के बावजूद भी, हजारों फोन कॉल आने के बावजूद भी, 3 तरीके से आपका पिज्जा बिजनेस फेल हो सकता है। पहला कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ी ही नहीं है, ये कम हो, है कि नहीं, तो ये भूखे यहां पे खड़े हैं और खाना यहां सड़ रहा है, यही होता है हमारे बॉडी में। देखिए, आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हैं, खाना मतलब कुछ भी, वो फ्रूट हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, वो रोटी हो सकती है, चावल हो सकता है, दाल हो सकता है, जो भी खाना खाते हैं, हर खाने में एक चीज जरूर होता है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर। और शुगर हमारे बॉडी के लिए एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है, तो जब भूख लगती है तो यानी कि हमारे बॉडी में करोड़ों अनगिनत सेल्स हैं, छोटे छोटे सेल्स हैं, और ये सारे भूखे हैं, ब्रेन को बताते हैं, तो ब्रेन आपको भूख क्रिएट करता है, आप खाना खाते हैं उसमें शुगर होता है, वो शुगर ब्लड में जाता है, और ब्लड में एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो कि शुगर को लेके सेल्स तक पहुंचाए। ये जो ट्रांसपोर्टर है इसका नाम क्या है, बॉडी के अंदर का इंसुलिन,
इंसुलिन क्या करता है, वो वही वाला काम करता है जो काम पिज्जा बिजनेस में ये मोटरबाइक करेगा, कि खाने को लेके कस्टमर तक पहुंचाना, यानी कि शुगर को लेके आपके सेल्स के अंदर तक ले जाना, राइट। कुछ लोगों के बॉडी में ये ट्रांसपोर्टर, ये जो मोटरबाइक है, ये कम बनता है, यानी कि इंसुलिन कम बन रहा है। तो खाना भी है अवेलेबल पेट में, ब्लड में, और सेल्स भी भूखे हैं, लेकिन खाना सेल्स तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? इंसुलिन कम बन रहा है। ज्यादातर ऐसा होता है छोटे बच्चों के केस में, डायबिटीज टाइप वन बोलते हैं। एक पेशेंट यहां भी था, राइट, डायबिटीज टाइप वन। तो ऐसे में क्या करेंगे, डॉक्टर बोलेगा मोटरबाइक कम है तो भाई थोड़ा किराए पे मोटरबाइक ले लो, ऐसी ना काम चला लो अभी। तो उनके साथ भी ऐसे ही होता है कि डॉक्टर बोलता है आपका बॉडी इंसुलिन कम बना रहा है तो बाहर से ले लो रोज। बाहर से लेना कुछ ऐसे ही होगा कि जब भी किसी ने पिज्जा ऑर्डर किया, आपने अपने अड़ोसी पड़ोसी से उधार में मोटरसाइकिल थोड़ी देर के लिए मांग लिया, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला, एक आध दिन चल जाएगा, गेटिंग द पॉइंट। तो ये हो गया पहला तरीका डायबिटीज होने का, जब बॉडी का मतलब 250 से ऊपर रीडिंग आने का। कि 250 से ऊपर रीडिंग क्यों है? क्योंकि शुगर जो है वो ब्लड में ही रुका हुआ है, यानी कि खाना किचन में ही पड़ा हुआ है, राइट। सेल्स भूखे हैं, मोटरबाइक कम है, राइट। तो रीडिंग 250 से ऊपर मतलब 250 से ज्यादा पिज्जा यहां पड़े हुए हैं, किचन में इतना पिज्जा क्यों दिख रहा है भाई, लोग मांग रहे हैं तो, अरे मोटरबाइक वाला ही नहीं है, राइट। तो ब्लड में इतना शुगर क्यों दिख रहा है भाई? क्योंकि ट्रांसपोर्टर का नाम बताया था क्या है, इंसुलिन ही नहीं है, कम है। तो क्या करें, बाहर से ले लो, पहला डायबिटीज। दूसरा तरीका है पिज्जा बिजनेस में फेलने फेल होने का, कि मोटरबाइक भी बहुत सारे हैं, पिज्जा भी बहुत सारे हैं, लोग भी खाना चाहते हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन रास्ता खराब है, रोड टूटे फूटे। यहां मोटरबाइक वाला लेके निकल तो रहा है, रास्ते में कहीं भटक गया, कहीं टूट गया मोटरसाइकिल, कहीं गिर गया, पहुंच ही नहीं पा रहा है। सड़कें देखिए क्या उल्टी सीधी, जैसे हमारे फरीदाबाद जहां से हैं वहां की, यहाँ की तो फिर भी अच्छी है, राइट। तो ये ठीक, इसे कहते हैं मेडिकल भाषा में इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस। कई बार आप जाएंगे तो बोलेंगे डॉक्टर की यू आर सफरिंग फ्रॉम इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब मोटरबाइक तो है लेकिन सड़क रेजिस्ट कर रही है, जाने नहीं दे रही उसको, राइट। उनका जो पूरा ट्रेवलिंग सिस्टम है वो पूरा फेल हुआ है। ये वो लोग होते हैं जो डायबिटीज की दवा पे हैं, मतलब पहली बार आप गए, डॉक्टर ने दवा ले लिया, दे दिया, और दवा के बाद आपका शुगर नॉर्मल आने लगा, यानी कि आपके बॉडी में ये दिक्कत है, इसे इसका नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब आपकी जो शुगर इंसुलिन है वो ठीक से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही, शुगर को पहुंचा नहीं पा रही है, क्योंकि बहुत सारे खड्डे आपके बॉडी के ब्लड वेसल्स में है, आपके सिस्टम में है, फैट जमा हुआ है। उनकी बॉडी को खोल के देखेंगे तो बॉडी के अंदर फैट जमा हुआ है। जहां जैसे यहां पे बहुत सारे, अगर यहां पे ईंट पत्थर रख दें रास्ते में तो बाइक का जो हाल होगा, बॉडी के अंदर भी वही हाल है। कई लोग वियतनाम में, थाईलैंड में, जहां जहां मेरे सेंटर्स हैं, वियतनाम में लोग बिल्कुल पतले हैं, सब लोग ही पतले हैं, लेकिन उन वहां पे डायबिटीज उतना ही है जितना आप यहां पे है। कई बार ऐसा होता है कि बाहर से पतले लेकिन अंदर फैट, इन्हें कहते हैं टॉफी, TOFI, TOFI, थिन आउटसाइड TO, फैट इनसाइड FI, राइट। सो दे आर सफरिंग फ्रॉम टॉफी, कि बाहर से पतले हैं लेकिन अंदर से मोटे हैं, अंदर फैट ही फैट जमा हुआ है, राइट। तो अक्सर ऐसा होता है कि इंडिया में लोग मोटे होते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, लेकिन कभी कभी कुछ पतले लोग भी अंदर फैट होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे पतले लोग हैं लेकिन तोंद निकली हुई छोटी सी, राइट। इंसुलिन रेजिस्टेंस, दे आर टॉफी, टॉफी, TOFI, राइट। यह है दूसरा तरीका। लेकिन ऐसे लोगों का तरीका, अभी तक ब्लड शुगर हाई होता है तो वो क्या करते हैं, दवा ले लेते हैं तो काम चल जाता है, राइट। दवा लेने से, दवा क्या करता है, कुछ देर के लिए इसको ठीक कर देता है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन ऐसा कैसे होता है कि दवा लेके यहां से शुगर को निकाल के हार्ट में डाल दिया, किडनी में डाल दिया, मैंने शुरू में आपको बताया था, राइट। तो उस तरह से तीसरे तरह के लोग होते हैं, यानी कि पिज्जा बिजनेस में तीसरे तरीके से आप फेल हो सकते हैं, वो कि रोड भी अच्छा है, बाइक भी बहुत सारी हैं, लोग भी खाना चाहते हैं, पिज्जा भी है, लेकिन अब भी आपका बिजनेस में पिज्जा बिजनेस फेल हो गया। क्यों?
क्योंकि इन सब के बीच में जो कोऑर्डिनेट कर रहा है जो मैनेजर है वो ठीक नहीं है। मैनेजर इससे लेगा, ठीक से बाइक वाले को बताएगा एड्रेस टाइम, तब जाके पहुंचाएगा ना। किचन वाले को ही बताएगा, इसका बीच का काम है। किचन वाले को बताया कितने पिज्जा बना के रखने हैं, बाइक वाले को इन्फॉर्म किया कहाँ पे जाना है, राइट, ऑर्डर लेना भी है इसको। तो एक बीच का आदमी है जो कोऑर्डिनेट कर रहा है बिटवीन किचन, कस्टमर एंड ट्रांसपोर्टर, राइट। अगर ये बीच का आदमी ठीक नहीं होगा तो भी पिज्जा बिजनेस फेल हो सकता है। इसे मेडिकल भाषा में बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ऐसे लोग जो पहले ब्लड प्रेशर की दवाइयां ले रहे थे, पहले कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे थे, उसके बाद एक दिन डॉक्टर ने बोला आपको ब्लड शुगर की दवा भी लेनी है, तो ये उस कैटेगरी के लोग हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपके हाथ में एप्पल है, जैसे ही आपने एप्पल देखा तो ब्रेन ने पहला सिग्नल इंसुलिन को भेज दिया, पैनक्रियास को भेज दिया कि एप्पल आने वाला है। अभी आपने खाया नहीं लेकिन बॉडी ने इंसुलिन बनाना प्रोड्यूस कर दिया पहले से। अब आपने उसको जीभ में लिया, ब्रेन ने दूसरा सिग्नल भेजा, अब आप चबा रहे हैं, थर्ड सिग्नल भेजा, और जब तक वो पेट में गया तब तक सारा इंसुलिन अपनी अपनी जगह पे पूरा तैयार है ऑलरेडी। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि आप जब सोचते हैं कि मुझे खाना खाना है, उस सोच से ही बॉडी के अंदर तैयारी शुरू हो जाती है। जब कस्टमर का कॉल आया कि ऑर्डर करना है, तभी इसने किचन में बोल दिया भाई बनाना स्टार्ट कर दो, गेटिंग द पॉइंट, राइट। तो वो जो कोऑर्डिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है बड़ा। वो कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ तब होती है जब कोई जब ब्लड प्रेशर की गोली कोलेस्ट्रॉल की गोली लेगा तो कोऑर्डिनेशन ब्रेक हो जाएगा, फिर उसको ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर की गोली भी लेनी पड़ेगी। ये है तीसरा, तीन तरीके से बिजनेस फेल हो सकता है पिज्जा का। तो आपका बॉडी भी एक पिज्जा की फैक्ट्री है, पिज्जा का दुकान है, और वो भी तीन तरीके से किसी एक तरीके से फेल हुआ है, जिसके कारण आपका ब्लड शुगर कितने से ऊपर होना है, अब 250 से ऊपर।